हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप आईआईटी जेम 2005 आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हो या किसी और यूनिवर्सिटी में एमएससी एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पेपर हमारे पास आईआईटी जेम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे पास लेट वाई बराबर एफ एक्स वी स्मूथ कर्व सच दैट जीरो लेस देन एफ एक्स लेस देन के, लेट एल बराबर एल जो है लेंथ ऑफ द कर्व बिटवीन एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी, ए जो है एरिया बाउंडेड बाई द कर्व एक्स एक्सिस एंड लाइन एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बाई एक्सिस, एस जो है वो है सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाई रिवॉल्विंग द कर्व अबाउट एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी। देन तो हमारे पास कुछ ये रिलेशन दिए हुए हैं, इन रिलेशन को हमें दिखाना है कि कौन सा इनमें से ट्रू है। तो फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं पहले से इनको क्लियर कर लेता हूं। L जो है वो लेंथ है, लेंथ को हम किससे शो करते हैं, लेंथ बराबर होता है हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है ए टू बी वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ डी एक्स, ये हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। अब लेंथ ये एरिया है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, बेसिकली हमें जो भी करना है फॉर्मूलाज में करना है। एक ही अगर बात करें तो ये होगा ए टू बी एफ एक्स ऑफ डी एक्स, यहाँ पे भी वाई बराबर जो है एफ एक्स, तो यहाँ पे भी हम वन प्लस डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एस बराबर क्या है, एस जो है वो है एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग, मतलब की एस जो है एस को हम लिख सकते हैं ए टू बी, ये हमारे पास एरिया था एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स, और साथ में ही ये लेंथ थी वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होता है नहीं होता, होल स्क्वायर यहां पे भी ये होल स्क्वायर होता है फ्रेंड्स एंड डी एक्स सॉरी यहां पे होता है हमारे पास टू पाई एंड वाई, वाई या एफ एक्स जो फॉर्मूला होता है वाई या एफ एक्स कुछ भी लिख सकते हो, वाई बराबर एफ एक्स है, ये हो गए हमारे पास। अब फ्रेंड्स हमारे पास गिवन कंडीशंस देखें, तो गिवन कंडीशन में अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो क्वेश्चन में हमारे पास एक जगह दिया हुआ था जीरो लेस देन वाई लेस देन के, ये था हमारे पास। तो अगर वाई को हम के से रिप्लेस कर दें तो एस बराबर ए टू बी टू पाई, और के जो है एक बड़ा नंबर है, के जो है एक बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से रिप्लेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पे यह आ जाएगा कॉन्स्टेंट, और ये हो गया हमारे पास वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया एस लेस देन ए टू बी, तो टू पाई के को बाहर ले सकते हैं, टू पाई के को बाहर ले सकते हैं, कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये मेरे फ्रेंड्स रिलेशन लगाया अभी जो लगाया था ये रिलेशन, ये टू पाई के, और जो बचा हमारे पास वो बचता है ऐसे ए टू बी वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको देखें तो ये क्या है एल, तो ये हो गया एस लेस देन टू पाई के एल, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब चूंकि यहां पे हमारे पास के भी लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ये हो गया हमारे एस लेस देन टू पाई के एल। अब एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया, अगर हम सेकंड रिलेशन की बात करें तो एस जो है सरफेस था वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू बी टू पाई वाई ऑफ डी एक्स, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला था टू पाई वाई और वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये था। अब फिर से अगर हम यहां पे देखें तो वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये नंबर जो है ग्रेटर देन वन होगा क्योंकि वन है और ये पॉजिटिव नंबर है, ये हमेशा नंबर ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन वन होगा। अगर हम इसको हटा दें यानी वन से बड़ा नंबर हम इसमें से हटा रहे हैं तो यहां से जो s बराबर जो साइन इक्वल टू का साइन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन हो गया, ये हो गया हमारे s टू पाई वाई
dx। अब यहां से अगर हम 2 पाई a टू b एफ एक्स डी एक्स करें तो यहां से हो गया s ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हो गया हमारे पास 2 पाई a। तो यहां से s जो है इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, तो हम यहां पर रिलेशन को लिख सकते हैं, यहां पर लिख दो 2 पाई a इज लेस देन इक्वल टू s लेस देन 2 पाई के l, जो कि फ्रेंड्स हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।